तो आज बना रहे हैं सबका फेवरेट नाश्ता। आपके घर में छोटे से लेके बड़े तक ये सबकी फेवरेट होती है। तो आज बना रहे हैं वेज कटलेट्स, बना रहे हैं इन्हें बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, अगर आपने पहले कभी नहीं बनाना तो भी बड़ी आसानी से बना पाएंगे। और जब बनाएंगे ना, गारंटी है कि सब आपके सर पे खड़े हो जाएंगे कि कब उन्हें मिलता है खाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे आलू को प्रेशर कुक, इसे दो विसल्स आने तक प्रेशर कुक करना है। और फिर इसे पील करके करेंगे कद्दूकस और रख देंगे अलग से। और प्रेशर कुक करेंगे हम फ्रेंच बीन्स, जिन्हें हमने छोटे पीसेस में काटा हुआ है, मटर और स्वीट कॉर्न। तो इन तीनों को साथ बॉईल करेंगे, साथ प्रेशर कुक करेंगे। इन्हें भी दो विसल्स आने तक कुक करना है, लेकिन पानी इसमें ज़रा कम ही डालेंगे, बस आधे से भीग गए काफ़ी हो जाएगा। तो इसे बंद करके रख देते हैं गैस पर और करते हैं आगे की तैयारी। और अब कद्दूकस कर रहे हैं गाजर को। इसे कद्दूकस करना है ऐसे किसनी के साथ जिसमें छोटे या पतले होल्स हो। आप इसे जितना फाइन कद्दूकस करेंगे ये उतना अच्छी तरह से बाइंड होगा। और अब इसी तरह कद्दूकस कर रहे हैं हम बीटरूट को। देखिए, बीटरूट आलू की तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, इसे बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा। इसके साथ ही कटलेट को उसका रंग मिलता है। और कर दे रहे हैं बाकी की सब तैयारी। अदरक को भी कद्दूकस कर दे रहे हैं, प्याज को, धनिए को और पुदीने को काट दे रहे हैं। चलिए करते हैं आगे की तैयारी। और अब लेंगे एक बड़ा बाउल जिसमें कटलेट के मिक्सचर की करेंगे पूरी मिक्सिंग। तो ये बाउल होना चाहिए बड़ा, क्योंकि आपको मिक्सिंग करनी है और सब एक साथ डाल देना है। सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें आलू, आलू के बाद डाल देंगे वो सब वेजिटेबल्स जो हमने तैयार रखे हैं। तो पहले डाल रहे हैं गाजर, ये गया इसमें बीटरूट, अब डाल रहे हैं इसमें अदरक, और अब गए हमारे इसमें बॉयल वेजिटेबल्स, फ्रेंच बीन्स, मटर, स्वीट कॉर्न, और ये गए इसमें हरी मिर्ची, आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। ये है पुदीना जिसे हमने दो के फाइनली चॉप किया हुआ है, और ये मीडियम साइज का प्याज है जिसे हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। अब डाल रहे हैं इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। तो वेजीज गए सब इसमें, अब बनाएंगे इसे चटपटा। तो ये गया इसमें जीरा पाउडर और है लाल मिर्ची, इसे डालेगा स्वाद के अनुसार। और ये है ड्राई कोरिएंडर पाउडर, मतलब सूखे धनिया का पाउडर। और डाल रहे हैं नमक, नमक को डालेगा स्वाद के अनुसार। और उसके बाद डाल रहे हैं इसमें चाट मसाला। तो बस जितने भी हमने स्पाइसेस डालने थे सब डाल दिए। और अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा गरम मसाला डाल सकते हैं इसे स्पाइसी बनाने के लिए। और अब डाल रहे हैं इसमें फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस। तो ये हमने चार स्लाइसेस लिए हैं जिन्हें हम ग्राइंड करके डाल रहे हैं। इन्हें डाल रहे हैं मिक्सी के बाउल में और इन्हें ग्राइंड करके डाल देंगे। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है लेकिन आपके पास ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं तो आपको ब्रेड क्रम्स डालने चाहिए। तो इनके साथ जो हमारे कटलेट्स हैं वो बाइंड भी होते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो बस सब कुछ डाल दिया है, अब इन सबको बड़ी अच्छी तरह से करना है मिक्स। ये ऐसे मिक्सचर हो जाना चाहिए ताकि हम इसके बॉल्स बना पाएं। और हाँ, इस कटलेट में हम जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं उन सब की मेजरमेंट्स के साथ लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखिए, मिक्सचर बन जाना चाहिए हमारा बिल्कुल ऐसा। तो इसमें अब वैसे डाल रहे हैं ब्लैक सॉल्ट, काला नमक डाल रहे हैं। जब रेगुलर नमक डाल रहे थे तो इसे डालना भूल गए थे, इसलिए अब डाल रहे हैं। और काले नमक के बाद इसमें डाल रहे हैं लेमन जूस। तो लेमन जूस डालने के दो रीज़न्स है, एक तो स्वाद आएगा, दूसरा लेमन जूस डालने से जो आपकी कटलेट है बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी और वो खाते वक्त ऑयली कम लगेगी। तो बस लेमन जूस डाल के भी इसे कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। अब बनाएंगे इसके कटलेट्स। और अब कटलेट्स के बॉल्स बनाने के लिए पहले कर रहे हैं हाथों को ग्रीस, उसे कर रहे हैं ऑयल के साथ। ले रहे हैं एक छोटी सी लोई की जितना मिक्सचर और उसका बना दे रहे हैं बॉल। तो हम बना रहे हैं फ्लैटेंड बॉल्स, आप चाहें तो इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं, आप जो शेप देना चाहें इसे दे सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे सब कटलेट्स की रेडीनेस हो चुकी है, अब करेंगे इन्हें डीप फ्राई। तो ये रख दिए हमने कढ़ाई गैस पर, डाल दिया है ऑयल डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल के गर्म होने के बाद ही डालेंगे इसमें कटलेट्स। तो ये ऑयल हो चुका है गर्म और इसमें हम डाल पा रहे हैं करीबन चार कटलेट्स। अब इन्हें ऐसे पकाना है, ऐसे फ्राई करना है कि ये हर तरफ से डार्क कलर के हो जाएं। बस ऐसे करते ही आपके कटलेट्स हो चुके हैं रेडी। और बता दें कि आपको एक राउंड फ्राई करने के लिए लगेंगे करीबन 3 से 4 मिनट, और वैसे ये पूरी फ्राइंग करनी है आपको मीडियम टू
हाई फ्लेम पर। वैसे अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पर भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके जो कटलेट्स हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इसे बनाना, आपका खाने का मन कर रहा है ना, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपके कटलेट्स कैसे बने, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज और वीडियोज़ वक्त पर मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।